महाराजगंज जिले के फरेंदा थाना क्षेत्र के रामनगर टोला कड़बरिया में चल रहे अवैध शराब के धंधे पर पुलिस का चला चाबुक। शराब के कुटीर धंधे को किया नष्ट, तीन को किया गिरफ्तार। 25 क्विंटल लहन 500 लीटर कच्ची शराब को किए नष्ट। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरेंदा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा रामनगर के टोला कड़वरिया में बरसों से चल रहा कच्ची शराब का धंधा खूब फूल फल रहा था। सूचना पाकर फरेंदा थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार सिंह ने अपने हमराहियों सहित मंगलवार की रात तकरीबन 8 बजे छापा डालकर अवैध चल रहे कच्ची शराब के धंधे को नष्ट किया। कुछ तो पुलिस की गाड़ी देख भाग खड़े हुए। आशुतोष उर्फ भोला, अभिषेक कुमार उर्फ किरण व सुभाष को पुलिस ने धर दबोचा। लहन नष्ट करते समय पुलिस विभाग के साथ आबकारी विभाग, महिला पुलिस की संयुक्त टीम ने कच्ची शराब को नष्ट किया। गांव के लोग तमाशबीन बने रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत कई वर्षों से कच्ची शराब का धंधा फल फूल रहा था। रामनगर का बना शराब दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर बिकता था। 40 से 50 किलोमीटर एरिया में बिकने वाला कच्ची शराब का कुटीर उद्योग अब पुलिस ने नेस्तनाबूद कर दिया है। तीन लोगों को आबकारी एक्ट 272/60 के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। SO फरेंदा आशुतोष कुमार सिंह के साथ SI गुलाब यादव, कांस्टेबल सुरेंद्र यादव, सुजीत यादव, राकेश विद्यार्थी, संदीप त्रिपाठी, जिलाजीत सिंह, राकेश यादव, अरविंद त्रिपाठी, दरोगा यादव के साथ महिला पुलिस मौजूद रही। PLA न्यूज के लिए महाराजगंज से जमाल अहमद रायन की रिपोर्ट। Thank you.